हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट में चर्चा करने जा रहे हैं वह एस्थेटिक्स एंड फाइन आर्ट। वेल, एस्थेटिक्स एंड फाइन आर्ट कहा जाए तो काफ़ी सारे मुद्दे सामने आते हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर काफ़ी लोगों ने चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम पश्चिम की तरफ जाए, वेस्टर्न आर्ट में प्लेटो, केंट काफ़ी सारे थ्योरीज लिख चुके हैं। जिस थ्योरीज में हम लोग आर्ट कॉलेज जाते हैं तो वो पढ़ते हैं थ्योरीज, मगर ये बदलता रहता है। हमारा यहाँ आर्ट का एस्थेटिक्स जो है ये समय के साथ बदलता रहता है। उसके बाद हमारे भारत के भी काफ़ी एस्थेटिक थ्योरीज आए, गगनेंद्रनाथ ने भी लिखा है एस्थेटिक थ्योरीज। बट आज अगर देखा जाए तो एस्थेटिक्स फाइन आर्ट में किस सब्जेक्ट या किसे कहा जाएगा? आज दुनिया भर में एस्थेटिक्स का एक ही मतलब रह गया है, सच्चाई, ट्रुथ। ट्रुथ इज द अल्टीमेट वन वर्ड डेफिनेशन फॉर एस्थेटिक्स। व्हाई? अब मैं जाऊंगा कुछ यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा जो हमारे शास्त्र या हमारे पुराण या हमारे जो भारत के परंपरा रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने एस्थेटिक्स का मतलब बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से डिफाइन किया है और जिसे हम काफ़ी आर्ट वर्क में, हमारे जो परंपरा रहा है भारत का, वो आर्ट फॉर्म में हमें देखने मिलता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अगर नहीं है तो सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है तो डिवाइन शिवा नहीं है। तो सत्य होना आर्ट में बहुत जरूरी हो गया है कि अगर सच्चाई नहीं है वो आर्ट हो ही नहीं सकता। तो सच्चाई आर्ट की एक सबसे कोर चीज है। अगर आर्ट में ट्रूथ नहीं होगा तो आर्ट में कोई इंसान उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा या उसमें सुंदरता नहीं होगा, और सुंदरता नहीं है तो उसमें डिवाइन पार्ट भी नहीं है। तो डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, सत्यम शिवम सुंदरम के ही इसमें सारे आर्टवर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज वेस्टर्न आर्टिस्ट या आर्ट क्रिटिक जो चीज़ कह रहे हैं, हमारे यहाँ सदियों से ये परंपरा रहा है। इसमें हमें हम कुछ नया बात आपके सामने लेकर नहीं आ रहा है, ये नया कुछ भी नहीं है। दिस इज वॉट We Indians always followed, right? इसके बाद आए तो कुछ लोगों ने मुझे चर्चा में इस तरह से पूछा है कि why I always talk about Hinduism? Now let me make you very clear. Hinduism is a word which came from Islamic invasion or whatever you want to say. उस जब अफगान, ईरान वहाँ से जब लोग आए यहाँ पे, जब हिंद कुश पर्वत के वहाँ से आते थे तो सिंध नदी के इस पार के लोगों को तब कहा जाता था हिंद। वो हिंद सिंध स उनके पास था नहीं डिक्शनरी में, वो ह यूज करते थे। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, सिंध के इस तरफ के जो लोग हैं, वो सारे को उन्होंने डिफाइन किया था हिंदुस्तान या हिंद, हिंद के इस तरफ के लोग। तो उस तरफ के लोगों में बुद्धिज्म, जैनिज्म जो भी था, जो उनके हिसाब से काफिर लोग थे अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, बिकॉज दैट वाज नोबडी वाज हैविंग इस्लाम इन इंडिया। इंडिया इस्लामिक या इस्लाम तब तक ज़्यादा आया नहीं था इंडिया में। तो लोग सोचते थे कि जो भी यहाँ रहते हैं सब काफिर लोग रहते हैं, तो उनके वो सब हिंदू है। एंड अल्टीमेटली जाकर के कुछ लोगों ने इसको सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों पे टैग कर दिया है। एंड बहुत सारे गलत फहमी है आज, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी गलत चीज़ों को अपना लिया है। मुझे समझ में नहीं आता है किस तरीके से अपनाया है, क्योंकि हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन। हाउ कैन यू मेक इट अ रिलीजन? इट्स अ टीचिंग। टीचिंग को हम रिलीजन का दर्जा दे नहीं सकते। रिलीजियन तब बनता है जब उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हिंदुइज्म हैज गॉट नो कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स जस्ट अ टीचिंग। ये परंपरा से एक शिक्षा है जो
यहाँ के हर इंसान में, मुझे तो लगता है कि हिंदू हो मुसलमान हो, सब हिंदू है, क्योंकि बाई बर्थ दे आर ऑलवेज हिंदू। इनको वो शिक्षा का अधिकार उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हिंदुइज्म करके मेरे ऊपर आरोप ना लगाइए। यहाँ पे मैं हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ तो स्पिरिचुअलिटी के बात करता हूँ डेफिनेटली, एंड स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे मैं बात करने जाऊँगा तो घंटे बीत जाएंगे, बट हमारा मुद्दा ये चीज़ नहीं था। हमारा जो कहने की तात्पर्य था, हमारा आज का सब्जेक्ट जो था, उससे हम थोड़ा डिबेट हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट में बात कर लिया, बट हमें अगर आर्ट में आर्ट की जो एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स के बारे में अगर बात करनी है, तो उसमें सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। एवरी पीस ऑफ आर्ट शुड कन्वे समथिंग, दैट्स माई वे ऑफ थिंकिंग। एंड कन्वे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही कन्वे करे जो हम चाहे, ये आर्ट कैन कन्वे एनी थिंग फ्रॉम डिप्रेशन टू यू नो यू आर एस्थेटिक, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ आर्ट। इफ यू आर सैड, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्ट। क्या नहीं है, सब कुछ, आई मीन यू कैन एड अप एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन आर्ट। मगर आर्ट में एक सच्चाई मतलब ये होता है कि अगर आज मैं आज के पॉलिटिक्स जो चल रही है, जियो पॉलिटिक्स जो भारत में चल रहा है या मेरे कलकत्ता में चल रहा है, उसको लेकर के अगर मैं काम करता हूँ, तो उसमें आज का वो सच्चाई दर्शाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैं एक रोमांटिक मूड में काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो मैं सच्ची रोमांस कर रहा हूँ या उसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो रहना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इट्स नॉट द पॉप आर्ट व्हिच बाइट्स मी, इट्स नॉट द हार्ड यू नो द व्हाट एवर द रिसेंट फेनोमेना व्हाट एवर गोइंग ऑन यू नो द कटिंग एज आर्ट और वट एवर, बट दोज आर नॉट बाइटिंग मी एट ऑल। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज, बट आप अगर पॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या पॉप आर्टिस्ट अपने आप को क्लेम कर रहे हो या पॉप आर्ट कर रहे हो, तो ये पहला मुझे डाउट होता है कि आपने पॉप कल्चर में जिया है क्या। आप डिस्को करने जा रहे हो और अब खिसक के आ रहे हो वहाँ से, वो तो नहीं हो रहा है। आप जिंदगी में कभी हाफ चड्डी पहना नहीं है, आप चले स्विमिंग करने के लिए हाफ पैंट पहन के, तो आप वो ड्रेस को पहन नहीं पाओगे, उसको कैरी आउट नहीं कर पाओगे। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखो, जो आप कैरी आउट कर पाओ उसी चीज को लेकर आप काम करो और उसमें ही सच्चाई मिलेगी आपको। सच्चाई बाहर ढूंढने की मत कोशिश करो, सच्चाई हमारे अंदर है, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है। हम बाहर जितना ढूंढ लेंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, उतना ही हम आर्ट से दूसरे साइड में चले जाएंगे, साइड ट्रैक कर लेंगे। तो इसलिए टू बी अ आर्टिस्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड रियली अ ऑनेस्ट गाय। So express anything which is there in your soul and mind, that's a pure form of art. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you.